जेड़ा डेफेमेशन केस मैं संजय सिंह अक्यूज्ड मुजरिम संजय सिंह के खिलाफ किया सी, आज ओदी ओदे बयान लिखाने वास्ते मैं इत्थे आया। मैं पहले दिन भी कहा सी, अज मैं फिर ये गल थोड़े राही दरोना कि भाग संजय भाग भाग केजरीवाल भाग, वो दिन दूर नहीं जदों पहला बेल ते फिर जेल का सामना करना पैना। जो झूठिया गल्लां बेबुनियाद गल्लां उन्होंने कीतियां ने, अज उहदे बारे मैं कोर्ट च आया। नाल मैं अज तुहानूं ये भी दसना चाहुंदा कि आशीष खतान जिहड़े आम आदमी पार्टी दे बड़े सीनियर स्पोक्सपर्सन भी है और वो दिल्ली कमीशन च उन्होंने एक कैबिनेट रैंक का अहुदा भी दिता है, डायलॉग कमीशन के चेयरमैन है। तुम हैरान हो जाओगे कि उन्होंने वकालत करने वास्ते हाईकोर्ट कौन आया? कांग्रेस के सीनियर स्पोक्सपर्सन थोड़े एक्स मैंबर पार्लियामेंट मुनीष तिवारी जी। ये ठीक है कि मुनीष तिवारी जी कहणगे मैं वकील हाँ, मैं किसी को भी जा सकता, मगर जिहड़ी मैच फिक्सिंग हो रही है आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे विचकार, ओ प्रेजिडेंट इलेक्शन च भी एक्सपोज होई, ओ सुखपाल खेरे दे केस च भी एक्सपोज होई, ते ओ आशीष खेतान दे केसां च भी एक्सपोज हो रही है। कल्ली ओ नहीं, नवकिरण जी जेड़ा आप दे आप नू वैसे तो कहिंदे जी कि मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर हाँ, मगर नवकिरण सिंह आशीष खेतान दे जेड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जदों बेअदबी दा परचा उन्हां ते दर्ज होया सी, उहदे च एज वकील आम आदमी पार्टी लिए अपीयर हुंदे ने। खैरा साहब जो ओ बोलदे ने ओही खैरा साहब बोलदे ने, ते आम आदमी पार्टी नूं ऑफिशियली जॉइन करन वाले नवकिरण सिंह मुक्तसर दी रैली च अरविंद केजरीवाल दे अज सारी एक्सपोज अब तुहाडे सामने आ गए आ सामने कि इह ड्रामा करदे आ। मखौटा कुछ पाउंदे, कोई कांग्रेस का पाउंदा, मगर वकालत जाके लड़ाई इन्हां दी लड़दा। कहण दा भाव कि जिन्हें भी यह मैच फिक्सिंग वाले भावें ये लोग ने ते भावें जिहड़े अज ड्रामा करदे सी, अज उन्हां दे दिन हौली हौली पुट्ठी गिनती शुरू हुई है। इन्हां नूं आप दे झूठे बेबुनियादे बयानां दा सामना करना पैना, ते पहला बेल ते फिर जेल का सामना 100% करना पैना। असी श्रोमणी अकाली दल ने दोवें कमीशन जस्टिस मेहताब सिंह कमीशन ते जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ते जस्टिस नारंग दा कमीशन जेड़ा केवल ते केवल कांग्रेस पार्टी नूं खुश करन आस्ते बनाया है, केवल ते केवल सियासी बदलाखोरी नूं मद्देनजर रखते बनाया है, ते केवल कांग्रेस पार्टी नूं पोलिटिकल फायदा पहुंचाउण लई बनाया है। उस नूं असीं पहलां ही रिजैक्ट कर चुके हैं। ये तो फ्रेंडली कमीशन है, मुख्यमंत्री दे दफ्तर च इन्हां कमिश्नरां दे सारे फैसले आउंदे आ, ते इह तां कल्ले तुहानूं सुणाउण नूं अग्गे बिठाते गए आ। इह सारे मैच फिक्सिंग वी तुहाडे अग्गे जग जाहिर करदा। चलो राहुल गांधी जी नूं बहुत बहुत वधाई है जी, बड़े चिर तों मैनूं लगदा कांग्रेसी आप चाहुंदे सन कि उह प्रधान बन जाण, क्योंकि जिन्नी छेती उह प्रधान बनणगे उन्नी छेती कांग्रेस दा पट्ठा बह जू। इह हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिहड़ी जिहड़ी इलैक्शन चो जिथे जिथे गए है उन्हां इलैक्शनां च कांग्रेस पार्टी का की हाल होया तुसीं बेहतर जानते हो। माता जी तां कल्ला सत्कारयोग सोनिया गांधी जी उन्हां दे रबर स्टैंप ही सी, पिछे करन वाले तां राहुल गांधी सी पहला, पलो पहला वाइस प्रैजीडेंट लगदा सी हुण प्रैजीडेंट लग जा, मगर मैं उन्हां नूं वधाई भी दिंदा ते उन्हां नूं जिहड़ी नवीं पारी उह खेडण लगे आ मैं चाहूंगा कि उहदे च वड्डा योगदान पाउण। हाँ जी, चलो जेड़े ला रहे हो दसन जी। हाँ जी, देखो कारपोरेशन इलेक्शन का असी विधानसभा च भी मुद्दा चुकया सी, अज थोड़े आप लुधियाने च गैंगस्टर्स ते टेररिस्ट का नैक्सस ये जग जाहिर किया, पंजाब पुलिस ने भी किया, डीजीपी इंटेलीजेंस गुप्ता जी ने भी ये बारे गल की है, एनआईए ने भी ये बारे की है। बड़े अफसोस की गल है
कि एक एमएलए कांग्रेस के जेड़े फरीदकोट तो एमएलए ने वो आपकी फेसबुक पोस्ट घुट के जफ्फी पा रहे हैं राजा भैया नू जेड़े बड़े वड्डे नामी गैंगस्टर ने ते कह रहे हैं माई डियर फ्रेंड ते वो राजा भैया फरीदकोट की लैना है। फरीदकोट कोई यह जी चीज़ तो है नहीं सी जेड़ी पंजाब च होर कोने च नहीं देखने मिलती जेड़ी उत्थे देखने मिल वो केवल तो केवल जेड़े 30 ड्रेडेड गैंगस्टर फरीदकोट जेल च बंद है जिदे बारे दिनकर गुप्ता जी ने आप गल आखी है कि यूपी दे गैंगस्टर पंजाब दे गैंगस्टरां नाल रल मिल के कई काम कर रहे हैं हथियार अगे पिछे जा रहे हैं। अज इह जे गैंगस्टरां नाल फोटो लवाउणी मैं समझदा कित्थे सियासी विरोधियों नूं भी एक संकेत देण दा तरीका कि कारपोरेशन इलैक्शन च की होगा नौजवान पीढ़ी नूं भी पता नहीं है की संकेत देना जा रहे ना सारियां गल्लां सी विधानसभा च भी उठाइया ते इहनूं कंडैम भी करदे आ अज आस भी करदे आ कि जिहड़े लोग ओपनली कांग्रेस लैजिस्लेटर्स गैंगस्टरां दी मदद कर रहे हैं गैंगस्टरां नूं रोटियां खवाउंदे गरीब बंदे नूं तां रोटी खवाउंदे नहीं गैंगस्टर नूं जिहड़ी रोटी खवाउण रहे इह जे दे खिलाफ़ कांग्रेस पार्टी की स्टैंड करूगी की एक्शन लेगी ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਯੇ मगर शायद राहुल गांधी जी तैयार नहीं थे आज उनको पता लगा कि वो तैयार हो गए हैं तो उनको इस चीज़ की बधाई है चाहे होए तो बड़े देर आए दुरुस्त आए मगर मैं एक ऑपोजिशन पार्टी के रूप से सिर्फ उनको बधाई देना चाहूँगा बाकी हमको तो ऑपोजिशन पार्टी को खुशी है क्योंकि जब जब राहुल गांधी को जगह एलिवेशन हुई है या प्रायोरिटी मिली है उधर एरिया में से आपने रिजल्ट भी देखे हैं यूपी के रिजल्ट भी देखे वो सारा कैंपेन राहुल गांधी ने लीड करा था जहां जहां राहुल गांधी ने लीडरशिप अपनी दी है वहां वहां कांग्रेस का भट्ठा भी बैठे हैं तो हमारी तरफ से तो प्रेसिडेंट की उनकी चोन की भी बधाई है ऑपोजिशन को भी बधाई है कि उनके अच्छे दिन और आ गए।